अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है और उसमें अपने बिजनेस गोल्स हमने कैसे लिंक करने हैं और किस तरह से हमने राइट कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है ताकि हम गलत कीवर्ड से बच जाएं जो कि हमें नुकसान दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि हमें अपना विजन भी ब्रॉड रखना है। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो कीवर्ड रिसर्च एक कीवर्ड रिसर्च करते हैं, एक कीवर्ड से समझते हुए वो मज़ीद उस पर रिसर्च करते चले जाते हैं और वो समझते हैं कि बस कीवर्ड रिसर्च होगी। जिस तरह से मिसाल ले लें कि मैंने मोबाइल फ़ोन्स की बात की और मैंने मोबाइल फ़ोन्स पे ही कीवर्ड रिसर्च की और फिर मैंने मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ ही सर्च की और मैं मोबाइल फ़ोन्स को ही सर्च करता चला गया और उसी के अगेंस्ट मैंने अपनी सारी कीवर्ड रिसर्च बेस कर ली। लेकिन मैंने ये भी सोचना है कि क्या मेरा कस्टमर सिर्फ मोबाइल फ़ोन लिखकर ही मोबाइल फ़ोन सर्च कर रहा है, क्या वो कुछ और सर्च कर सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मोबाइल फ़ोन को आप किस किस तरह से सर्च कर सकते हैं? क्या आप सेलफ़ोन सर्च कर सकते हैं या कभी आपने स्मार्टफोन सर्च किया हो? तो इस लेसन में हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से आपने अपने कीवर्ड्स को सिनोनिम्स तक, यानी कि अब उससे रिलेटेड कीवर्ड्स या रिलेटेड टर्म्स जो लोग यूज़ करते हैं वो आपने एक्सपेंड करना है, ताकि पॉसिबिलिटी है कि आप शायद एक नाम से एक चीज़ को पुकार रहे हो लेकिन लोग आपके उसी चीज़ को दूसरे नाम से पुकार रहे हो, या जिस मुल्क में या जिस जगह पर आप उसको जिस जगह पर आप रिसर्च कर रहे हैं उस जगह पर उस चीज़ का नाम डिफरेंट तरीके से जाना जाता हो। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। और अगर आप इसके बाद जब आप जॉब पे जाएंगे या जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको हर तरह की वेबसाइट्स मिलेंगी और आपको हर तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे और हर तरह के मुल्क में आप काम करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आप एजेंसी की बात कर रहे हैं वहाँ फर्म की बात नहीं हो सकती। सो आपने ये लोकल कल्चर को अंडरस्टैंड करना होता है और यही चीज़ मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि कैसे हम अपने कीवर्ड्स को एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर पे, यानी कि एक नाम से और उसके हम नाम से हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं जिसे हमारी दुनिया बदल सकती है। क्योंकि माइट पॉसिबल कि बहुत सारे लोग हमारी प्रोडक्ट को उस तरह से ना जानते हो जिस तरह से हम बुलाते हैं, या वो उसको एक डिफरेंट नाम से जानते हो और हमने ये अंडरस्टैंड करना होता है कि वो कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो मोबाइल फ़ोन्स की एग्जांपल में मैं ये करूँगा कि मैं अब मोबाइल फ़ोन के बाद स्मार्टफोन्स को सर्च करूँगा और ये देखूँगा कि कितने लोग मेरी मोबाइल की प्रोडक्ट्स को स्मार्टफोन के नाम से सर्च कर रहे हैं। तो हम वापस जाएंगे गूगल एड्स के ऊपर और दोबारा से एक नई सर्च करेंगे और इस दफ़ा में हम स्मार्टफोन से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम गूगल एड्स पे गए हैं और गूगल एड्स पे जाकर फिर मैं वही कीवर्ड टूल पे जाऊंगा, जिसके लिए मैं टूल्स पे क्लिक करूंगा, प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने वही विंडो दोबारा ओपन हो जाएगी। यहां से मैं फाइंड न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करूंगा और इस दफा मैं स्मार्टफोन्स लिखूंगा। स्मार्टफोन लिख कर जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो गूगल मुझे कीवर्ड्स दिखाएगा और पॉसिबिलिटी है कि ये कीवर्ड्स ओवरलैप कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन कीवर्ड्स के साथ, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब मोबाइल फ़ोन मैंने सर्च किया था बहुत सारे स्मार्टफोन से रिलेटेड कीवर्ड्स गूगल ने मुझे नहीं दिखाए। तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि हम स्मार्टफोन्स लिख कर देखेंगे कितने लोग इसको सर्च करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त डेटा हमारे पास अवेलेबल है और तकरीबन गूगल ने 967 कीवर्ड्स दिखाए हैं मुझे, और इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा ताकि मैं इसको अपनी गूगल ड्राइव में अपलोड करके इसको ऑर्गेनाइज कर सकूँ। जैसे मैं डाउनलोड करूंगा मैं इसका नाम चेंज करूंगा। नाम चेंज करने के लिए मैं वही फॉर्मेट यूज़ करूंगा जिसमें KW लिखकर मैं इसका कीवर्ड का नाम लिखूंगा जिससे मैंने इसको सर्च किया था। जब मैंने इसको ऐसे सेव किया मैं गूगल ड्राइव पे जाऊंगा और इस दफ़ा मैं चूंकि एक नई कैटेगरी में चला गया हूँ तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा। मैं नहीं चाहता कि ये मोबाइल फ़ोन्स के साथ स्मार्टफोन्स वाली कीवर्ड मिक्स हो जाए, तो स्मार्टफोन्स के लिए मैं अलग फोल्डर बनाऊंगा। मैं फोल्डर क्रिएट करूंगा, उस फोल्डर के अंदर जाऊंगा और वहां पर मैं अपनी फाइल अपलोड कर दूंगा। फाइल अपलोड करने के लिए मैं न्यू के बटन पर क्लिक करूंगा, फाइल अपलोड की ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और इस दफ़ा मैं सिर्फ स्मार्टफोन की फ़ाइल इसमें अपलोड करूंगा क्योंकि बाकी फाइलें मुझे इस फोल्डर में नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़ाइल अपलोड हो चुकी है, मैं इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लूंगा और मैं इसको फिर ऑर्गेनाइज करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया है, मैंने इसको फिल्टर भी लगा लिया, मैंने एक कॉलम नया क्रिएट करके उसको नंबरिंग भी लगा ली और इसको मैंने मिनिमम सर्च वॉल्यूम से हाईएस्ट टू लोएस्ट भी रैंक कर लिया है ताकि मुझे सबसे हाईएस्ट कीवर्ड्स, मतलब जो सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स हैं वो ऊपर आ जाएँ और बाकी ऐसे ऐसा नीचे दिखाई दें। अब इसमें से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे कीवर्ड्स शायद ओवरलैप हों, वो मोबाइल फ़ोन ये पहले भी था लेकिन स्मार्टफोन पहले मुझे नहीं मिला था। अब मुझे ये पता है कि स्मार्टफोन की कितनी सर्चेज़ हैं, कम से कम स्मार्टफोन 1000 से 10000 दफ़ा सर्च हो रहा है और ये रेंज गूगल ने मुझे बता दी है। उसके नीचे सेल फोन भी सर्च हो रहा है, तो इससे मुझे एक
दो नए कीवर्ड मिल गए जो मैं अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकता हूँ, और ये दोनों नए कीवर्ड मेरी टारगेट ऑडियंस माइट पॉसिबल के सर्च कर रही हो मेरे फ़ोन्स को ढूंढने के लिए। तो इसको मैं मिस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये अगर मैं मिस करूँगा तो एक बहुत बड़ी ऑडियंस मिस हो जाएगी जो कि शायद कभी मेरी वेबसाइट ढूंढ भी ना पाए। अगर मैंने अपनी वेबसाइट को स्मार्टफोन के अगेंस्ट रैंक करवाना है तो मुझे स्मार्टफोन के अगेंस्ट पेजेस बनाने होंगे, और उसके लिए शर्त यह है कि मैं पहले उसकी सर्च कर लूँ। इसी तरह से मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँगा, जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट बजट स्मार्टफोन, ये एक मुझे अच्छा कीवर्ड लग रहा है जो मुझे लगता है कि बजट फ़ोन अगर कोई सर्च कर रहा है, और स्मार्टफोन से ऑलरेडी मतलब ये है कि वो एक टच फ़ोन प्रायली सर्च करना चाह रहा है, तो मैं इसको इसलिए सिलेक्ट करूँगा ताकि लोग जब ये सर्च करें तो मैं इसके ऊपर रैंक कर सकूँ, और जो बजट फ़ोन लेना चाह रहे हैं मैं उनको बजट फ़ोन दिखा कर मैं उनसे सेल्स जनरेट कर सकूँ। आप ये देख सकते हैं कि कुछ लोग बेस्ट स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड भी सर्च कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये वो जिसने कोई फ़ोन ख़रीदना है वो इस तरह का वर्ड सर्च करेगा, ये मे बी कोई रिसर्च करना चाह रहा है कि जिसको बेस्ट फ़ोन चाहिए, तो मैं इसको रेड कर दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर रैंक करके ट्रैफिक ले भी लूँ तो ये लोग मेरे से बाय नहीं करेंगे, तो मुझे ये अभी से ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं इस पर मेहनत ही नहीं करूँगा ताकि मैं अपना टाइम उन कीवर्ड्स पर लगाऊँ जो मुझे बेहतर लगते हैं, जो मुझे सेल्स जनरेट करके दे सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई ये लिख रहा है व्हाट इज़ अ स्मार्टफोन, तो मे बी मैं इन फ्यूचर एक ब्लॉग पोस्ट लिख सकता हूँ या एक गाइड लिख सकता हूँ कि स्मार्टफोन क्या होता है, लेकिन अगर उसको ये पता ही नहीं है कि स्मार्टफोन क्या होता है, पॉसिबिलिटी है कि वो सर्च भी ना, वो बाय भी ना करें मुझसे, तो इसको भी मैं रेड मार्क कर दूंगा। और इसी तरह से मैं अपनी पूरी की पूरी कीवर्ड शीट है उसको ऑर्गेनाइज करता चला जाऊँगा, और उसमें से अपने टारगेटेड कीवर्ड निकाल कर उसको ग्रीन मार्क करके साइड पर कर लूँगा, और मैं जो नहीं चाहिए और या जो मुझे बाद में चाहिए उनको येलो और रेड में मार्क करके दोबारा उसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। सो हमें अपनी कीवर्ड्स को एक्सपेंड करना होता है, हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जा सकते हैं उसी कीवर्ड के अगेंस्ट, क्योंकि हमें शायद लगता है कि एक चीज़ एक ही तरह से सर्च होती है, लेकिन जिस तरह से लोकेलिटी बदलती है, लोग बदलते हैं, उनके सर्च करने के अंदाज भी बदलते हैं, हमें अंडरस्टैंड करना है कि वो किस तरह से बदलते हैं और मेरी प्रोडक्ट की रीच कैसे बढ़ सकती है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लिमिटेड सर्च वॉल्यूम रखूँगा, एक लिमिटेड कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक करूँगा या ऑप्टिमाइज करूँगा, तो मैं सिर्फ उसी कम्युनिटी के अगेंस्ट महदूद रह जाऊँगा जो उसको सर्च करती है। लेकिन मैंने अपना बिजनेस का अगर इम्पैक्ट बढ़ाना है तो मैं अपनी प्रोडक्ट को उस नाम से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, या मैं उन कीवर्ड्स पे भी रैंक करवाना चाहूँगा जो कि एक डिफरेंट ऑडियंस डिफरेंट नाम से सर्च करती है। तो आपको दुनिया में बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी जिसमें एक प्रोडक्ट मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल तरीक़ों से सर्च की जाती है, और ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप इसको मिस करेंगे तो अपनी आप लिमिट रीच लिमिट कर देंगे, और अगर आप इसको कर जाएंगे तो आप अपने कंपेटिटर से बेहतर हो सकते हैं क्योंकि आप उन सब कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे होंगे जो पॉसिबली डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से सर्च करते हैं, लेकिन वो सर्च एक ही प्रोडक्ट करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसके लिए भी बिजनेस जनरेट होगा इससे।